यहाँ पे कपिल सर जोरदार वाला सिक्सर मारते हैं और बॉल एक कांच को फाड़ के अंदर आ जाता है। लेकिन भैया दूसरे एंगल से देखने पे यहाँ तो दो कांच फटे हुए हैं। नहीं, इधर तीन कांच में से बीच वाले कांच को बॉल फाड़ के अंदर आया था ना। लेकिन भैया बाहर से देखने पे बीच वाले के साथ साइड वाला कांच भी फ्री फंड में फटा हुआ है, कैसे भाई? और इतना सुनते ही आधे लोग तो कमेंट सेक्शन में ही भग गए होंगे कि अबे साले बॉल इतनी फास्ट आई है तो प्रेशर से साइड वाला कांच टूट गया होगा ना, इतना दिमाग नहीं है तेरे पास। नहीं, एक मिनट रुको ना यार, इतनी क्या जल्दी, रुको जरा, सब्र करो। कमेंट डालने से पहले जो दिखा रहा हूँ वो देख लो पहले, फिर समझ आ जाएगा तुमको। अच्छा, हमको सिखा रहा है? नहीं तो भैया इसी जगह को और दूसरे एंगल से देखेंगे तो भाई साइड वाला कांच तो बिल्कुल सही सलामत है, फूटा हुआ तो है ही नहीं, खाली बीच वाला ही फूटा हुआ है। नहीं, पहले वो राइट साइड वाला कांच फूटा ही नहीं था, बीच में पता नहीं कहां से फूट गया और अब फिर से नहीं फूटा, मतलब चल क्या रहा है भाई। यहाँ पर जिस तरह से बॉल आ रही है साफ दिख रहा है कि ये गेट से तीसरे या चौथे नंबर के कांच पे लगने वाली है, लेकिन भैया लगती दूसरे नंबर पे है पता नहीं कैसे। यहाँ पर परछाई लेफ्ट साइड में दिख रही है लेकिन नीचे से देखने पे परछाई तो है ही नहीं भाई, और यहाँ साइड में रेलिंग्स भी लगी हुई है लेकिन ऊपर से देखने पे रेलिंग्स तो है ही नहीं भाई। यहाँ पर इसने अपने राइट साइड में एक बैट रखा हुआ है जो कि अगले ही पल बैट गायब हो गया। अब इन दोनों के पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है लेकिन अगले ही पल पीछे कपिल सर प्रकट हो गए। और अभी मैंने जस्ट नोटिस किया कि ये दीवार का कलर पूरा व्हाइट है, ठीक है, लेकिन भैया दूसरे एंगल से देखने पे दीवार का कलर ही चेंज हो जाता है। यार मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ क्या मैं अकेला ही हूँ जिसको ये एम्पायर बोमन ईरानी की तरह दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मूवी में बोमन ईरानी भी है लेकिन वो ये नहीं है क्योंकि वो पीछे लाइव कॉमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे को बोमन ईरानी की तरह क्यों दिख रहा है? अभी बच्चे के पप्पा ने बच्चे के पीठ पे हाथ रखा हुआ है भाई, देख लो दिख रहा है, लेकिन भैया सामने के एंगल से देखने पे हाथ तो कंधे पे रखा है भाई, और बच्चे के जस्ट बगल में ही अंकल खड़े हुए हैं लेकिन भैया दूसरे एंगल से देखने पे कितना दूर खड़े हैं भाई। यार मेरे को नहीं पता था कि 1983 में भी स्टैंड अप कॉमेडी चलती थी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में होता क्या है, अपन खुद का मजाक उड़ा के खुद ही हंसते हैं बराबर, और यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये अपनी ही टीम का मजाक उड़ा रहे हैं और सब लोग इतना जनरली हंस रहे हैं जैसे अपन खुद का नहीं दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। एंड बाय द वे सबका देखा देखी हमने भी एक शॉर्ट चैनल खोल ही लिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि क्या ना भाई फ्यूचर जो है ना वो शॉर्ट्स का ही, क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट्स ना भाई बंद करना तेरा बकवास बंद कर अभी। अभी कपिल सर का राइट हैंड यहाँ पर है लेकिन अगले ही पल हाथ तो नीचे है भाई। यहाँ पीछे ये दोनों खड़े हुए हैं और उनके पीछे खड़े हैं सरदार जी, लेकिन जब इन्हें क्लोजअप में दिखाया जाता है तब सरदार जी एक्चुअली इनके पीछे नहीं बल्कि इनके साथ में खड़े हुए हैं। अभी ये सिद्धार्थ सागर है क्या भाई? बिल्कुल सिद्धार्थ सागर लग रहा है यार, मतलब पता नहीं आप सिद्धार्थ सागर को जानते हो कि नहीं, लेकिन अगर आपने पुराने कॉमेडी सर्कस के एपिसोड्स देख रखे हैं और अगर आप कॉमेडी शोज देखना पसंद करते हो तो सिद्धार्थ सागर को तो जानते ही हो क्या? यार मेरे को ये एकदम डिट्टो सिद्धार्थ सागर लग रहा है, मतलब हाइट वाइट सब सेम लग रही है, अगर आपको भी लग रहा है तो नीचे कमेंट करके बताओ भाई। यहाँ पर जग और ग्लास के बीच में कितना गैप है ध्यान से देख लो, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे गैप काफी कम हो जाता है भाई। और आजकल एक चीज बहुत बेकार कर दी है यार, मतलब वीडियो में ही ऐड घुसाना चालू कर दिया, मतलब अगर आप ये ट्रेलर देखे हो तो ट्रेलर खत्म होते ही एक इंजन ऑयल का ऐड आता है जो कि वीडियो में इंटीग्रेटेड है, मतलब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ ट्रेलर खत्म हो रहा है, मैं इमोशनल पे इमोशनल हुआ पड़ा हूँ कि बाप रे क्या बढ़िया स्टोरी है, जल्दी मूवी देखनी है, और ट्रेलर खत्म होते ही सडनली एक ऐड आता है, एंड द ऐड वाज लाइक कि देख लिया पूरा ट्रेलर देख लिया, अब साले इंजन ऑयल खरीद, तुरंत खरीद, बहुत खर्चा हुआ है, देख ले सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कुछ भी कर कॉल लगा मेरे को नहीं मालूम इंजन ऑयल खरीद, एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, और खैर ये वीडियो तो हमने फन के लिए और टाइम पास के लिए बनाया था, बट एक्चुअली ट्रेलर बहुत कमाल लगा मुझे और ये उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि जैसे ट्रेलर कमाल का था वैसे ये मूवी भी कमाल निकलने वाली है, और बाकी सब तो सही था, बस वही था कि ट्रेलर 4 मिनट का था और पूरा ट्रेलर देखकर मेरे को ट्रेलर वाली फीलिंग ही नहीं आई, मेरे को लगा मैं कोई शॉर्ट फिल्म देख रहा हूँ, बट मेरे को ये वाला सीन बहुत ही पसंद आया जिसमें सभी टीमें एक साथ आके खड़ी होती है और ये फोटो लेता है, और फिर जो फोटो दिखाया जाता है वो एक्चुअल 1983 का एक्चुअल रियल फोटो होता है, जिसमें अगर आप फोटो को जूम करके देखोगे तो आपको कपिल सर और बाकी सब दिख जाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिब्यूट लगा मेरे को। और बस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो, और हम मिलते हैं आने वाली एक और अतरंगी वीडियो में, बाय।